हेलो एवरीवन, फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। क्लियर है सभी को? तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक की। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसमें, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहले सेम चीज़ आज थोड़ा सा न्यू पैटर्न से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ क्या थी, मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी कोई टर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने ये बोला था कि हमें इस वर्ड को पहले तो ब्रेक करना है। तो ब्रेक कितने टर्म में हो जाएगा, देखो पहला टर्म जिसको हम बोल रहे हैं कार्बो और दूसरा टर्म जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेट। तो फर्स्टली यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ कार्बो एज वेल एज व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रेट। इज इट क्लियर? तो पहले उसको हमें लिखना है। तो कार्बो का मीन क्या होता है, कार्बो का मीन होता है कार्बन, पहली चीज। तो कार्बन आपका कहाँ से आया, कार्बो टर्म से। फिर उसके बाद हाइड्रेट्स की बात करेंगे, तो हाइड्रेट का मीन होता है क्या, वाटर। हाइड्रेट का मीन क्या हो गया, वाटर। अब सर आप बोलेंगे कि सर वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर इन द सेंस यहां पर बात हो रही है किसकी, H2O की। क्लियर हो गया? तो कार्बन को अगर मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सी, और वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या लिखूंगा, H2O। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो क्या बोल सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इज इट क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमने कहाँ से निकाला था, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बो का मीन हो गया था कार्बन, हाइड्रेट का मीन्स वाटर, वाटर का मीन्स H2O और कार्बन का मीन्स C, यानी कि CHO। पहली चीज क्लियर हो गई। ये जनरल एक टर्म सामने आ गई कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जनरली वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन के बने होते हैं। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में और क्या क्या हम समझ सकते हैं, समझना। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, ये सैकेराइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ सैकेराइड, सैकेराइड का मीन होता है सुगर। सैकेराइड का मीन क्या होता है, सुगर। अब सुगर का मीन क्या, आप लोगों के माइंड में एक चीज आती है जब भी आप सुनते हो ना सुगर, सुगर का मतलब चीनी, चीनी इन द सेंस सुगर का मतलब चीनी तो होता ही है, बट सुगर का यहाँ पे मीन होता है या तो वो ग्लूकोज हो सकता है, या तो वो फ्रक्टोज हो सकता है, या तो वो गैलेक्टोज हो सकता है। ये हो गया आपके डाइसैकेराइड्स में। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना है कि सुगर का मतलब ये नहीं कि चीनी की बात हो रही है। सुगर इन द सेंस यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो पहला होता है जिसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्लियर हो गया? मोनोसैकेराइड पहला क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। दूसरा हो गया आपका क्या, डाइसैकेराइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, है ना। स्पेल अगर नहीं दिख रहा हो यहां पे तो आप यहां से देख लीजिएगा। तो एक हो गया मोनोसैकेराइड, एक हो गया डाइसैकेराइड, एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है? एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या हो गया आपका, पॉलीसैकेराइड। ये तो हो गई एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं और पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये सर हमें इतना समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से बने होते हैं। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट को ही हम सैकेराइड भी बोलते हैं, या तो वो मोनोसैकेराइड हो सकता है, या वो डाइसैकेराइड हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड होता है हो सकता है, या पॉलीसैकेराइड हो सकता है। पहली चीज के लिए उसी को हम सुगर भी बोलते हैं। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना,
सफिक्स और प्रीफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका, उसको हमें बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या बोल सकते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज सभी को पता है, कॉमन एग्जाम्पल है, मैंने क्या ले लिया फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में समझना, ग्लूकोज में जो ओज लगा हुआ है दैट मीन ओ एस ई, तो ओज जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, सुगर को, क्लियर है। मीन्स जिस वर्ड के लास्ट में ओज लगा है दैट वर्ड विल बी रिफर टू कार्बो हाइड्रेट, क्लियर हो गया, मीन्स शुगर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ग्लूकोज, जैसे माल्टोज, जैसे सुक्रोज, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आप ये बताइए कि सर स्टार्च में तो ओज नहीं लगा है, मतलब कुछ स्पेसिफिक जो टर्म दिए हुए हैं उसमें अगर ओज लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजी वे में कि सर ये क्या है, शुगर है, ये शुगर है, मतलब क्या है सर, ये कार्बोहाइड्रेट है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इतना क्लियर कर लिया हमने। अभी समझते हैं कि ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, समझना। सबसे पहले आते हैं हम किस पे, मोनोसैकेराइड पे, टर्म पे जाएंगे, सेम चीज जो हमने यहाँ पे की सेम यहीं पे करेंगे। मोनो का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल की बात हो रही है, मतलब वन की बात हो रही है। तो मोनो मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वन, और सैकराइड अभी मैंने जस्ट बताया था, सैकराइड का मीन क्या हो गया, शुगर, तो सैकराइड का मीन हो गया क्या, शुगर। यानी सर सिंगल शुगर को क्या बोलेंगे सर, मोनोसैकेराइड। एग्जांपल पे देख लो, जैसे आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, क्लियर हो गया। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या हो गए आपके, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा सा और अभी मैं पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूँ किसमें क्या आएगा, उसके बाद मैं आगे मोनोसैकेराइड को डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है। डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, अब सर डाइसैकेराइड का मतलब क्या होगा, सिंपल सा टर्म, डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शुगर, जब भी दो शुगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंगल शुगर प्लस एक ग्लूकोज और मिक्स कर दिया तो क्या हो गए, दो शुगर, तो क्या बन जाएगा आपका, उसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कहेंगे, सुक्रोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को क्या कहेंगे, लैक्टोज, क्लियर हो गया। सभी को पता है लैक्टोज, लैक्टोज का टर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मिल्क शुगर को, क्लियर हो गया। तो लैक्टोज जो होता है वो आपका मिल्क शुगर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। यहाँ तक कहानी समझ में आई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हो गए मोनोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड के एग्जांपल माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। सर ओलिगोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सर। ओलिगोसैकेराइड जो होता है आपका, ओलिगोसैकेराइड्स में एक्चुअली क्या होते हैं, जो ट्राईसैकेराइड होते हैं, ट्राई मतलब अब सेम कॉन्सेप्ट, तीन, यानी सैकेराइड मतलब शुगर, तीन शुगर होंगी तो वो किस में आएंगी, ओलिगोसैकेराइड में। सर तीन शुगर इसमें आएंगी, चार शुगर किस में आएंगी, चार शुगर यानी फोर शुगर भी किस में आएगी, इसी में आएगी, यानी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ये जो सैकेराइड्स हैं आपके, ये किस में आएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स में, क्लियर हो गया। तो ट्राईसैकेराइड किस में आएगा आपके, ओलिगोसैकेराइड में। टेट्रासैकेराइड किस में आएगा, ओलिगोसैकेराइड में। एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। जैसे ट्राईसैकेराइड का एक एग्जांपल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, रेफिनोज, क्या बोलते हैं, रेफिनोज, रेफिनोज, क्लियर है, रेफिनोज। तो रेफिनोज किस में आता है, ट्राईसैकेराइड में आता है। एक एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्रासैकेराइड, टेट्रा मींस चार शुगर, तो उसमें आता है आपका स्टेचायोज, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ट्राईसैकेराइड, ये हो गया आपका टेट्रासैकेराइड, और भी जो शुगर्स आपकी आएंगी वो किस में आएंगी, आपकी ओलिगोसैकेराइड में। सर कहाँ तक आएंगी, एक लिमिट तो होगी आने की, अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ तक आएंगी। तो लिमिट क्या रहेगा कि
टेन के अंदर जो आएगा, मीन्स टेन सैकेराइड यानी कि आपका जो है टेन सुगर जो रहेगी उसके अंदर जो आएंगे वो आएंगे किसमें, ऑलिगोसैकेराइड में, और टेन से ज्यादा अगर जाएगा तो किसमें आएगा वो पॉलीसैकेराइड में। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। रेफिनोज, स्टेचायोज वगैरह सारी चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं किस पे, मोनोसैकेराइड पे, फिर हम बात करेंगे सभी के बारे में, थोड़ा सा धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज अब देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड पे आ जाते हैं। सर मोनोसैकेराइड तो अभी आप बता चुके हैं, फिर क्यों पढ़ना है मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड अभी खत्म नहीं हुआ है, समझना है, थोड़ा सा समझना। मोनोसैकेराइड में भी क्या होता है, कार्बन के अकॉर्डिंग हमें क्लेरिफाई करना होता है कि सुगर आपकी ट्रायोज है, सुगर आपकी टेट्रोज है, सुगर आपकी पेंटोज है, या सुगर आपकी हेक्सोज है। क्लियर हो गया? जैसे अभी एग्जांपल बताया था मैंने, क्या ग्लूकोज बताया था, बहुत बढ़िया, सभी को पता है सर ग्लूकोज तो, सर सभी को पता है ना। अभी देखना, ग्लूकोज अगर मैं पूछूं मोनोसैकेराइड में किस में आएगी, बात समझना, ग्लूकोज अगर मैं पूछूं मोनोसैकेराइड में किस में आएगी तो समझना। अगर मैं ये बोलूं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक, जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो कार्बन कितने हैं यहां पर, 6 कार्बन है। हमने एक टेबल पढ़ी थी, सिंगल कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। ऐसे ही एक टेबल थी आपकी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो 10 कार्बन तक हमने वो टेबल पढ़ी थी। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमें कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सुगर है ये ट्रायोज है या फिर टेट्रोज है या फिर पेंटोज है या फिर हेक्सोज है। तो सिंपल सा आप मुझे बताएंगे, ग्लूकोज जो है आपका इसमें 6 कार्बन है, तो किसमें आएगा ये, ये आपका किसमें आएगा, हेक्सोज सुगर में आएगा। तो मैंने क्या बोला, ट्रायोज, ट्रायोज के बाद क्या आएगा आपका, टेट्रोज, टेट्रोज के बाद क्या आएगा, पेंटोज, पेंटोज के बाद क्या आएगा, हेक्सोज, और क्या आएगा आपका, हेप्टोज। क्लियर हो गया? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, तो ये सब आपकी कैटेगरी हैं जो आपकी किस में आती है, मोनोसैकेराइड में आती है। अब एग्जांपल समझ लेना, इसमें क्या आता है आपका, ग्लिसरेल डी हाइट, ठीक। इसमें क्या आता है, ट्रायोज सुगर कौन सी है, ग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है, ये क्या होता है, ट्रायोज सुगर होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोन्स ग्रुप क्या होते हैं, उसके आधार पे सुगर्स क्या होती हैं, कीटो फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्म क्या होगा, सब बात करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद टेट्रोज सुगर की बात करें तो टेट्रोज में आती है एरिथ्रोज। क्लियर हो गया? एरिथ्रोज जो है आपका मोनोसैकेराइड के ही एग्जांपल चल रहे हैं सारे, समझना। पेंटोज सबसे इंपॉर्टेंट सुगर जो आती है आपकी किसमें है, वो आपकी, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, बट पेंटोज सुगर में आती है आपकी क्या, राइवोज सुगर। सभी ने सुना होगा राइवोज सुगर, जल्दी से सोचो, जल्दी से, जब भी कोई टर्म आया करे ना उसको एकदम से माइंड में क्लिक किया करो कि ये सर कहाँ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था डीएनए में और आरएनए में। अच्छा एक क्वेश्चन है सभी से कि सभी को पता है डीएनए और आरएनए, सर डीएनए का जनरल डेफिनेशन अगर हम बात करें, इन द सेंस जनरल डिफरेंस बात करें, तो सर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बट मुझे एक बात बताना जल्दी से कि राइबोज जो सुगर होती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, डीएनए में कौन सी राइबोज होती है और राइबोज आरएनए में कौन सी होती है, ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है? हेक्सोज सुगर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया क्या था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। क्लियर है? तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ये किस में आएंगे आपके, ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, हेक्सोज सुगर में। सर एक चीज और पता लग गई, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आपके हेक्सोज सुगर होते हैं। इससे एक आइडिया और लग गया कि सर यानी कि ग्लूकोज को तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यानी कि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। सही बात है। हेप्टोज की मैं बात करूं तो ऐसे याद रखना, ग्लाइक को हब कर दिया, ग्लाइक
हव, यानी डांट दिया, डांट देते ना किसी को ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइक हैप्टोज। क्लियर है? तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए मोनोसेक्राइड्स के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। इफ एनी सुगर कंटेन 3 carbon, दैट मीन्स इट विल कंसिडर एज अ ट्रायोज। इफ एनी वन कंटेन 4 carbon, दैट विल इट विल कंसिडर एज अ टेट्रोज एंड मोर एंड मोर। इज इट क्लियर? यहाँ तक मोनोसेक्राइड समझ में आया क्या होता है? अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जनरली जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ग्लूकोज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। अब ग्लूकोज का सर स्ट्रक्चर अभी समझना, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सभी को पता है C6H12 और O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। मैं अगर पूछूं फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है तो क्या बताएंगे, मैं पूछूं गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, सबसे पहले ग्लूकोज के ही फॉर्मूले की कॉपी कर देना, C6H12O6। सर ये तो सिंपल सा है, ये तो आपने भी कर दिया कॉपी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट अब समझना ये किसका फॉर्मूला है, ये भी आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, ये किसका है सर, गैलेक्टोज का फॉर्मूला है। सर ये कैसे हो सकता है सर, सर तीनों ही फॉर्मूले सेम है और आप बोल रहे हो ये ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का, ये गैलेक्टोज का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि किस में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, किस कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, किस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बिहाफ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो हैं आपके, वो आपके एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। क्लियर हो गया? अभी समझना, अभी इसको याद कैसे करना है सर, सभी सेम है ऐसे याद रखना। एक मूवी सुनी होगी आपने, सत्यम शिवम सुंदरम, क्लियर है? तो ऐसे बोलते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसे करके एक टर्म है ना जो जो आप गाना गाते हो, तो ऐसे याद रखना, तीनों ही रूप एक ही के हैं, तीनों ही रूप एक ही के हैं, मतलब सत्यम भी यही है, शिवम भी यही है और सुंदरम भी यही है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 3S यानी ट्रिपल S, 3S यानी क्या बन गया, ट्रिपल S यानी कि सत्यम शिवम और सुंदरम, सेम ऐसे याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तो तीनों का फॉर्मूला कैसा होता है, सेम ही होता है। चलो आगे चलते हैं, अभी देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा इजी भी हमें समझेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे कि ग्लूकोज एक्चुअल में कैसे दिखेगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ग्लूकोज की, ठीक है? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। पहली चीज, सबसे पहली बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज की, फिर बात करेंगे फ्रक्टोज की, फिर बात करेंगे गैलेक्टोज की। क्लियर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जनरल फॉर्मूला सभी को पता है। सबसे पहले याद रखो जनरल फॉर्मूला को, नोट किया करो। तो जनरल फॉर्मूला क्या था सर, सबको पता है C6H12O6 सर, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, C6 ये भी सर सेम है, बहुत बढ़िया। अब याद रखना, अब डिफरेंस क्या आता है समझना, बनाना कैसे, जनरल स्ट्रक्चर कैसे बनाना सीख लो, ग्लूकोज से स्टार्टिंग करना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को बनाते चले जाना। सबसे पहले क्या करना, 6 carbon यानी 6 carbon को ऐसे लिख लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करना है, 6 carbon नोट कर लिए सभी ने, अभी देखना कॉपी पे नोट करते जाना और प्रिपेयर करते जाना जल्दी से, मतलब प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इजी होगा। अभी समझना, हमने एक टर्म सुनी होगी नर्सिंग में, एक टर्म रहती है जिसको हम बोलते हैं CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सुना है सभी ने, नहीं सुना है तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। CHO का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अभी समझना, कम्युनिटी के हेल्थ ऑफिसर। अब कैसे हैं, ऑफिसर रैंक के हैं, मतलब कहाँ पर रहेंगे, टॉप पर, समझना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कहाँ कर दिया, सबसे ऊपर टॉप पे, भैया ऑफिसर हैं तो रखना पड़ेगा, डेफिनेटली रखना पड़ेगा। उनके अंडर में कौन आएगा, हेल्थ ऑफिसर, उनके अंडर में कौन आएगा, हेल्थ ऑफिसर। तो क्या करना है, हेल्थ ऑफिसर को हमें यहाँ लगा देना, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर। क्लियर रहेगा, इतना सभी को समझ में आया, सिंपल सा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ग्लूकोज को पहले जनरल फॉर्मूला लिखना, फिर 6 carbon लिखना, मतलब लाइन से चेन बनाना, फिर 1st carbon पे क्या करना, CHO ग्रुप को जोड़ देना, CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ज्वाइन कर देना,
उसके बाद सारे हेल्थ ऑफिसर को लगा देना। अब सिंपल सा बचा क्या, अब बचे सर हाइड्रोजन, तो क्या करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर भी। क्लियर हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा, ये याद रखना। अब क्या करना है, अब हमेशा याद रखो केमिस्ट्री में जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस स्ट्रक्चर को हमेशा अपने जनरल फॉर्मूला से मैच कर लिया करो, जिससे कोई भी गलती ना हो। अगर स्ट्रक्चर गलत होगा तो यहाँ पर वेरियंस आएगा, अगर ये गलत होगा तो यहाँ पर वेरियंस आएगा, अगर दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन स्ट्रक्चर सही है। अब समझना, सी सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कार्बन थे, 6 कार्बन है, सही है सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। अभी काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर एक बार हो, अच्छा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है, दोनों हो गए, यानी हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 12, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं, 6। अभी समझना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर हो गया सर। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, ग्लूकोज को। लेकिन एक चीज समझना, ग्लूकोज में एक चीज है, क्या है, हमने अभी ये बोला जो सारे हेल्थ ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात हो रही थी उसमें हमें क्या याद रखना है कि इस कार्बन को मैं नंबर 1 बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बोल सकता हूँ, कार्बन 1, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2, इसको क्या बोल सकता हूँ, 3, इसको बोल सकता हूँ, 4, इसको बोल सकता हूँ, 5, इसको बोल सकता हूँ, 6। ये तैयार हो गया हमारा ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर। अभी समझना एक चीज और डिफरेंस है इसमें, ऐसे याद रखना कि देखो हर जगह कहीं भी कभी ना कहीं जाओगे तो आपको लगता है ना कि कोई जब रूडली बिहेव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये कितना टेढ़ा आदमी है, बोलते हैं। तो ऐसा ही याद रखना कि ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन है, मतलब थर्ड कार्बन के जो हेल्थ ऑफिसर है, ऐसे याद रखना, जो ग्लूकोज है उसके थर्ड कार्बन में जो हेल्थ ऑफिसर है वो कैसे हैं, थोड़े से टेढ़े हैं। कैसे याद रखोगे, टेढ़े हैं। अभी कैसे टेढ़े हैं, इन द सेंस, टेढ़े इन द सेंस, देखो पोस्चर पे मत जाना, टेढ़े इन द सेंस क्या करना है, यहाँ से इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ लगा देना है, बस इसको यहाँ से लिया और यहाँ पर लगा दिया। क्लियर हो गया, ऐसे यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। ये बन गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब देखो एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया ना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में ज्यादा टेंशन नहीं लेने, क्यों, सब ट्रिकी वेस्ट चलेगा। कैसे चलेगा, देखो सबसे पहले बनाते हैं गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का बन चुका है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा से बैक करके देख लेना। आगे देख लेते हैं, गैलेक्टोज की बात करते हैं, गैलेक्टोज सबसे टफ है, सबसे टफ याद रखना, सबसे टफ कैसे है, क्योंकि रीजन ये है कि गैलेक्टोज बहुत ज्यादा टफ है। सिंपल सा याद रखना, कैसे, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, यहां पर सेम हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन। देखो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, CHO ग्रुप को यहाँ पर भी ऊपर रखना है, मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर भी है। अभी समझना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर भी आ गए, क्लियर है। अब सर ये तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है सर, यहाँ पर क्या करना है समझना, यहाँ पर थर्ड नंबर के जो हेल्थ ऑफिसर थे वो थोड़े से टेढ़े थे, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ नंबर के जो ऑफिसर हैं उनको वो भी कैसे हैं, टेढ़े हैं। क्लियर है, तो वो दोनों ही कैसे हैं, टेढ़े हैं, मतलब इसको और इसको दोनों को यहां पर कन्वर्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे इनकी पोजीशन में, तो बन जाएगा गैलेक्टोज। अरे वाह सर, हमें याद भी नहीं करना पड़ा, यहां पे क्या बन गया, गैलेक्टोज। क्लियर हो गया, तो ये बन गया आपका क्या, गैलेक्टोज, ये बन गया आपका ग्लूकोज। लास्ट बट नॉट लीस्ट